तो भाई लोग कुछ ऐसी अपनी स्कूटी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 2925 किलोमीटर हम स्कूटी को चला चुके हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। स्कूटी का एक और बेनिफिट बताता हूँ, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई, एवरेज गया साइड में, चलाना गया साइड में, कंफर्ट गया साइड में। राम राम जी, क्या हाल चाल है सभी के। तो मैं जा रहा हूँ बाहर स्कूटी से जा रहा हूँ, तो आज मैं स्कूटी का ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से। फटाफट से गोप्रो माउंट करके निकलते हैं बाहर स्कूटी के साथ, तब बात करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो अपन निकल गए स्कूटी लेके। वैसे मुझे जाना भी कहीं और भी है काम से, तो पर मैं पहले इसका रिव्यू कर दूंगा रास्ते में, उसके बाद हम जाएंगे जहाँ भी जाना, ठीक है। तो रिव्यू में देखो क्या होने वाला है। मैं 5 महीने से इस स्कूटी को यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जय श्री राम। तो इस स्कूटी को मैं पिछले 5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। ऑनरशिप मैं रिव्यू दूंगा इसका। वैसे तो पापा इसके ऑनर हैं हमारे, बट यूज़ मैं कर रहा हूँ, उनसे भी ज़्यादा मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो आसपास में चलाते हैं, मैं दूर दूर चले जाता हूँ। तो और हमारी स्कूटी चल गई अभी तक 2925 किलोमीटर। तो जो 5 महीने का सफ़र रहा इस स्कूटी के साथ, क्या हमें इसमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली है, क्या मज़ा आ रहा है इसके साथ, सब कुछ शेयर करूँगा। बस यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, उसके बाद रोक के हम बात करेंगे इस बारे में। अभी क्या है ना, मैं रिव्यू तो दूंगा ही दूंगा इसका, इसके साथ में इसका स्कूटी व्लॉग भी हो जाएगा हमारे गोप्रो के साथ। साइड में ही थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर रोक के हम इसके बारे में बात करेंगे फटाफट से। वैसे धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है भाई। कवर ओवर करके निकलो बाहर, अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी पीते रहो, मौज करते रहो बस। तो इधर थोड़ी सी जगह है, हम इस साइड चलेंगे। अपने इधर एरिया देखो ऐसे मिलेगा, ये कॉलेज है, कुछ जो बंद हो गए हैं, कुछ चालू कुछ बंद हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम इस साइड बात करेंगे। बेशक थोड़ी सी धूप है, पर फटाफट हम बात कर लेंगे। तो भाई लोग कुछ ऐसी अपनी स्कूटी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 2925 किलोमीटर हम स्कूटी को चला चुके हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। स्कूटी के साथ एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो मैं किसी स्कूटी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाकी स्कूटी चलाई नहीं है। सिर्फ मैं ये स्कूटी चला रहा हूँ, एक्टिवा 110 सीसी की 6G है, इसके ही बारे में बात करने वाला हूँ। बाकी स्कूटी का मुझे नहीं पता कि ये बेहतर है या कोई और बेहतर है, सिर्फ मैं इसकी बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये स्कूटी पड़ी थी पूरे 1 लाख की, अब से 5 महीने पहले ये स्कूटी ली थी, पापा के लिए ये स्कूटी ली है। वो कम यूज़ करते हैं क्योंकि उनको लोकल के लिए चाहिए, मैं इसको बाहर भी यूज़ करता हूँ। मैं इसको एक दिन में 60 से 70 किलोमीटर भी चला चुका हूँ, ठीक है। और कभी कभी ज़्यादा भी चल जाती है, कभी कभी कम भी चलती है, हर रोज़ नहीं चलाते। जब मैं बाहर जाता हूँ मैं इसको दूर भी ट्रैवल कर लेता हूँ, मज़ा पूरा आता है। बस पता है स्कूटी और बाइक में डिफरेंट ये है कि हम स्कूटी को बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते, तो हमें स्पीड के साथ ही इसको कंट्रोल के साथ चलाना पड़ेगा हमें, अगर हमें इसका एवरेज चाहिए। भागने के लिए ये स्कूटी 95 भाग जाती है, और मैंने इसकी टॉप स्पीड की वीडियो डाली हुई है, कोई यकीन नहीं करता, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने प्रूफ के साथ मीटर के साथ डाली है। जैसा भी होगा आप देख सकते हो टॉप स्पीड की वीडियो, 1 से 2 वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर दीपक ब्लॉग टीवी पे, जिस पे ये वीडियो आप देख रहे हैं। इसीलिए 95 बेसिक भागती है, बट हम इसको 95 भगा नहीं सकते। सिर्फ मैंने वो 1 टाइम एक टॉप स्पीड चेक करवाई है, 2 वीडियो इसलिए डली हुई क्योंकि एक मैंने जब नहीं खरीदी थी उस टाइम पर चेक करी थी, एक सर्विस होने के बाद की। पहली सर्विस के बाद कोई फ़र्क पड़ता है स्पीड पर या नहीं, फ़र्क पड़ता है वो वीडियो खुद जाकर देखोगे तो पता चल जाएगा। अब मैं बता देता हूँ कि हम भगा क्यों नहीं सकते इसको 95। अगर भाई 95 भगाओगे तो इससे एवरेज की उम्मीद बिल्कुल मत रखो, कोई भी एवरेज का काउंट मत रखो कि 30 देगी, 40 देगी, 45 देगी, 50 देगी, कोई भी काउंट मत रखो। अगर एवरेज चाहिए तो 60 से 65 के बीच में गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो ही एवरेज मिल सकता है। वरना एवरेज जो कंपनी क्लेम कर रही है मत उस पर बिलीव करो कि इतना एवरेज देगी। एक लिमिट स्पीड के साथ चलाओ, कभी कभी भगानी पड़ जाती है, 80, 85, 70 चलेगा, उस टाइम पर भी एवरेज पता चल जाएगा डिफरेंट, बट 60 से 65 के बीच में चलाओगे तो परफेक्ट 50 का एवरेज दे देगी। ज़्यादा भी निकाल सकते क्योंकि कंपनी तो 50 से 55 के बीच में करती है, और हम अगर चला रहे हैं 5 का भी कम लेके चलते हैं 55 में, तो 50 का आराम से दे देगी। 45 मान लो, चलो 45 बहुत है, 45 और 50 के बीच में बहुत है, 1 लीटर में 50 से 45 किलोमीटर आराम से चलेगी, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है। मैंने लगाया कि 50 का एवरेज दे रखी है, दे देती है। मैंने चलाई है 60 की स्पीड में भी कंटिन्यू चलाई है, बट मैं ज़्यादातर NS200 यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझसे पेशेंस नहीं हो पाता इसके अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि मैं चलाता हूँ ज़्यादातर बाइक, और बाइक को चलाने वाले
को स्कूटी बहुत कम सूट होती है, मतलब कंफर्ट उसको जब लगता है, जब वो गांव मोहल्ले में या लोकल एरिया में मार्केट वगैरह में यूज़ करता है तब उसे आदत पड़ जाती है, बट लॉन्ग ट्रैवल के लिए उसको बाइक की ही आदत रहती है। वैसे ही मेरे साथ है बिल्कुल, कि अगर मुझे बाइक चलानी है तो मैं लॉन्ग ट्रैवल के लिए बाइक ही प्रेफर करता हूँ अपने लिए, क्योंकि उससे हम जल्दी पहुंच जाते हैं, थोड़ी हम हाई स्पीड चला सकते हैं। एवरेज अगर जैसे मेरी 200 सीसी है तो 80-90 पे जाके ये एवरेज सही देती है, ये 60-65 पे देती है। और अगर हम लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो स्कूटी से मुझसे नहीं हो पाता, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी राइड करने के तरीके हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम के बारे में। भाई प्रॉब्लम क्या आई है हमारे इस 5 महीने के बीच में और 2000 से ऊपर चलाने के बाद, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है स्कूटी के अंदर। अभी तक नाक के बराबर प्रॉब्लम है, बस थोड़ी सी स्कूटी साउंड करने लगती है, जैसे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता वो साउंड कहाँ से रहा है, या तो ये साउंड करते हैं, वो भी रोड पे नहीं, जब हम जैसे खड़ंजा होता है ना गांव में होते हैं, टूटा फूटा रोड होता है, या तो ये साउंड करेंगे, देखो ये लूज सा दिख रहा है, ये साउंड करिए तो टाइट हो जाएगा, या इतना भी लूज रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बाकी अभी तक मैं जीरो प्रॉब्लम बताऊंगा, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक सर्विस इसकी हो चुकी है, 5000 किलोमीटर के बाद इसकी नेक्स्ट सर्विस होती है। 5000 किलोमीटर को चला ले तो पहले करवाना चाहो करवा सकते हो, क्योंकि अगर कोई डेली ऑफिस आने जाने वाला या कहीं काम पे जा रहा है, कोई लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, उसका तो वो तो कवर कर सकता है 5000 किलोमीटर, बट जो घर के या लोकल यूज़ में लेने वाले हैं ना स्कूटी, वो 5000 किलोमीटर चला ही नहीं सकते, स्कूटी चलती नहीं है, तो उनको पहले भी सर्विस करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अगर कि अगर स्कूटी चल नहीं रही है और 10 महीने भी हो गए, 4 महीने भी हो गए और वो 5000 किलोमीटर नहीं चली है तो सर्विस नहीं करवाओगे, नहीं, सर्विस करवानी पड़ेगी, उसको ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि जितना समय होता चला जाता है ऑयल ख़राब होता चला जाता है। ऐसे ही इसका भी एक सर्विस हुई है, 5000 चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी उससे पहले भी हम इसकी सर्विस करवा देंगे दूसरी वाली। अब आते हैं इसकी हेडलाइट के ऊपर, इसकी LED हेडलाइट है, इसकी हेडलाइट LED भी मिलती है, हैलोजन भी मिलती है, वो आपकी चॉइस है, बट LED हेडलाइट हैलोजन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उसकी वीडियो मैंने बनाई है, इसे लास्ट वीडियो डली होगी, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मैंने बिल्कुल ना अंधेरे में जैसे जंगल दिख रहा है इस टाइप के जंगल में जाके लाइट का रिव्यू किया, बहुत तकड़ी लाइट है, इससे लास्ट ही वीडियो डली हुई है। ठीक है, वो जाके देख लो तो पता चल जाएगा। हैलोजन का तो सबको पता ही, क्योंकि पहले बाइकों में स्कूटरों में हैलोजन ही आता था, तो उसका अंदाज़ा सबको होगा। LED इसमें अब आ रहा है, तो भाई LED ले सकते हो, बहुत अच्छा है। बस LED का पता है मुझे कहाँ ड्रॉ फीडबैक लगता है, जैसे कि LED हमारे पास है हमें क्लियर दिख रहा है, फॉग में एक तो प्रॉब्लम होती है, फॉग में क्लियर नहीं दिख रहा, फॉग में जला दो तो और ज़्यादा फॉग दिखता है, उसमें हैलोजन काम आता है। और अगर सामने वाला इंसान आ रहा है ना उसको दिखना बंद हो जाता है, बस ये प्रॉब्लम आती है, बाकी अपने लिए अंधेरे में एकदम बेस्ट है, बढ़िया तकड़ी है। और क्या मैं बता सकता हूँ स्कूटी के बारे में, मैंने रफ़ एंड टफ हर तरीके से यूज़ किया, मैंने इसका ब्रेकिंग टेस्ट किया है, मैंने इसकी स्पीड टेस्ट की कई बार, मैंने इसको भगाया पूरा, हम इस पर 2 भी बैठे हैं, 3 भी बैठे हैं, इसको बच्चे भी चलाते हैं घर में, पापा भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूं, तो भाई अभी तक ओके की रिपोर्ट है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके टायर में सिर्फ अभी तक पिछले टायर में एक पंचर हुआ है, 2500 चल गई, कितनी चल गई है, 2900 प्लस चल चुकी है, पर वो लग गया है, बाकी टायर वायर की कंडीशन ठीक है, कोई टायर फूला नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी सब एकदम ओके की रिपोर्ट है। साउंड जैसा जिस टाइम पे कंपनी से आई थी स्कूटी वही साउंड कर रही है, स्पीड में और भगाने में वही पावर है, थोड़ी बहुत डल और प्रॉब्लम आती हैं जो अभी तक नहीं आई हैं, उसको हम धीरे धीरे यूज़ करते करते पता चल करेंगे। बस एक इसमें मैं बता दूँ, जो ये वाला ब्रेक है, ये फ्रंट वाला ब्रेक है शायद से, तो ये वाला ब्रेक थोड़ा सा लूज़ हो चुका है, ठीक है, और ये लूज़ शायद उसके बाद हुआ है जब मैंने ब्रेक टेस्ट वाली वीडियो बनाई थी, या पहले से, देखो वो मेरे को इतना ध्यान नहीं है, बट उस साइड वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक जैसा था, ये वाला लूज़ हो गया, देखो यहाँ तक आ रहा है, पहले यहीं पे रुक जाता था, यहीं पे सारी ब्रेकिंग लेता था, अभी ये ज़्यादा पीछे तक प्रेस हो रहा है। कोई बात नहीं, वो अभी सर्विस करवाने जाऊँगा तो मैं ठीक करवा लूँगा, बाकी ओके की रिपोर्ट है। इस रिव्यू को मैं इतना ही रखता हूँ, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ और बचता भी है, क्योंकि मैंने जितना यूज़ किया सिर्फ मैं उतना बता रहा हूँ। और फिर से मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कमेंट बहुत सारे आते हैं कि जुपिटर इतनी भागती, ये इतनी भागती, वो उतनी भागती, ये कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इसका रिव्यू मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये स्कूटी मेरे पास है, तो मैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नहीं होती तो मैं बनाता भी नहीं, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना था, जिस काम के लिए मुझे जाना गाज़ियाबाद तक, थोड़ा सा मोटो व्लॉग बनाते हैं इसके साथ, और मैंने ग्लव्स रखे हुए हैं यहाँ, ठीक है, तो ये पहनेंगे हम ग्लव्स, क्योंकि धूप इतनी तकड़ी हो रही है, धूप के साथ साथ सेफ्टी और धूप से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धूप ऐसी है ना, कंटिन्यू धूप में रह लो, चल लो, थोड़ा सा कुछ भी इंसान बीमार हो जाए तो ग्लूकोज चढ़ने से पहले वो ठीक होगा नहीं। और कुछ रहता है स्कूटी के बारे में तभी हम चलते चलते बात कर लेंगे, मज़ा पूरा आता है। देखो मुझे स्कूटी चला चला के इतनी आदत ख़राब हो गई है कि मुझे आसपास में जाने में बाइक पे जाने का मन ही नहीं करता।
क्योंकि इसका स्कूटी का सिस्टम ऐसा है ना भाई, चाबी लगाओ, स्टार्ट करो, चल दो, इतना इजी टू यूज़ है, आराम से मौज करते चलो। फ़ोन आ गया, फ़ोन चला लो, यूज़ कर लो। मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं चलाना चाहिए मोबाइल। मैं घर से आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ, जैसे हम गांव गढ़ी मोहल्ले में चला रहे हैं, कोई कॉल आ गया उठा लो। बाइक पे क्या होता है, रुकना पड़ता है, उतरना पड़ता है। इस पे क्या है, एक हाथ से स्कूटी चलाते रहो, एक हाथ से मौज करते रहो। मौज क्या करनी है भाई। तो देखो, हम रिव्यू के बाद अभी हम आ गए हैं इसके स्कूटी व्लॉग पर, हम कह सकते हैं मोटो व्लॉग। तो अभी हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, गाजियाबाद तक जाऊंगा, उसके बाद मैं ख़त्म कर दूंगा। अबे यार, इसी ग्लव्स ने कर दिया परेशान, जबकि मैंने ग्लव्स ले लिया, पर उस ग्लव्स को मैं बाइक पे यूज़ करूंगा, ऐसा मेरी फीलिंग कहती है। तो मैंने अभी एक नए ग्लव्स लिए हैं, 1000 रुपये तक के, बढ़िया बेस्ट स्टील वर्ड के ग्लव्स हैं। वीडियो डाल दिया मैंने भाई, हर चीज़ की वीडियो मिल जाती है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है दीपक व्लॉग टीवी। टीवी का मतलब हर चीज़। भाई मैं ज़्यादातर हर वीडियो को शेयर कर देता हूँ, जैसे मेरे पास कोई मशीन है, कोई गैजेट है, जैसे स्कूटी है, बाइक है, या गोप्रो है, या एक कैमरा है। कैमरे से रिलेटेड मैंने अभी कोई वीडियो नहीं डाली, डालूंगा जल्दी, पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। जितनी मेरे पास ज्ञान नॉलेज, या ज़्यादातर मैं शेयर करता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि उस मशीन के साथ, जैसे स्कूटी है, इसके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, या रहने वाला है, या चल रहा है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इससे लोग रिलेट कर पाते हैं भाई ना, है ना। अभी ये क्योंकि ओरिजिनल चीज़ है, इसमें मैंने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं अलग से चीज़ ऐड ऑन करी है, जो जैसा इसने परफॉर्म किया है साथ में, वैसा मैंने शेयर किया है, ठीक है। अब देखो, जिस स्पीड में मैं चल रहा हूँ, 60 पे चला के दिखाता हूँ। अब ये चल रही है 60 पे इतनी चलेगी, ठीक है। बाइक चलाने वाले को आदत नहीं होती, पर वो पेशेंस रखना पड़ेगा अगर एवरेज लेना है तो। अब इसको 80 भगा दो, 80 से ऊपर भगा दो भाई, तो जितनी स्पीड से ये ऊपर जा रही होती है ना, स्पीड वाली सुई, उतनी स्पीड से ये ऑयल वाली सुई नीचे आ रही होती है। गजब का टैलेंट है इसका। तो ये है मसूरी की नहर, ये छोटे हरिद्वार से आती है, बेसिकली गंगा जी से कट के ही ये कहीं ना कहीं से आ रही होती है। स्कूटी का एक और बेनिफिट बताता हूँ, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई, एवरेज गया साइड में, चलाना गया साइड में, कंफर्ट गया साइड में, सामान कितना भी हो यहाँ भर दो, बैग कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी कैरी करना है, डॉक्यूमेंट है, कागज़ है, बॉक्स है, डब्बा है, पन्नी है, थैली है, पाउच है, जो भी है भाई, डिग्गी खोलो, हेलमेट है, एक्स्ट्रा हेलमेट, डिग्गी खोलो, डाल दो मस्त। अच्छा और बताओ, और ऑनरशिप रिव्यू में क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा था, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंक यही होती है कि प्रॉब्लम, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि अगर कोई मशीन लिए, कोई वाहन लिया है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इस्तेमाल करता टाइम। सबसे पहले इंसान यही जानने वाला होता है कि कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा है ना, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसमें बढ़िया तो चल रही है। तो इसलिए मैं अभी तक बता देता हूँ, इतने किलोमीटर तक और 5 महीने के अंदर, 2900+ किलोमीटर और 5 महीने के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंगल प्रॉब्लम तक नहीं है, या आने वाले समय की पता नहीं है। उम्मीद यही रहती है कि कोई प्रॉब्लम ना है, बट उसके साथ साथ में केयर करनी भी ज़रूरी है, जैसे टाइम से सर्विस करवा लो, क्लीनिंग रखो, टाइम टू टाइम जो भी रिक्वायरमेंट हो रही है इसमें वो करवाते रहो। जैसे कि स्कूटी में तो इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है, है ना, ये रखे पैर हमारे, ये रखे हाथ हमारे, चुपचाप चलते रहो। तो दोस्तों, जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं आ चुका हूँ, मुझे कवि नगर जाना था वैसे गाजियाबाद में, तो कवि नगर में पहुँच चुका हूँ। वैसे हमारे जो वीडियो का टॉपिक था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मैंने जैसा भी था, जो भी था, आप लोगों को मैंने शेयर किया स्कूटी का रिलेटेड जो भी था, ठीक है, जैसे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मुझे इसके साथ परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि मैं वीडियो डालता हूँ, वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाल लेते हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राम राम जी।